आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से बहुत से कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं जो तत्सम और तद्भव से काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन अब उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। अब आप लोग इसे ध्यान से समझिए और वीडियो पूरा देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम, जिसका अर्थ होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान शब्द। हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत के समान है लेकिन हिंदी में प्रयोग होते हैं उसे ही हम तत्सम कहते हैं, जबकि तद्भव वह होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, तद और भव, जिसका अर्थ होता है होना, अर्थात संस्कृत से परिवर्तित शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हुए हैं उन्हें ही हम तद्भव कहते हैं। अब आइए हम बहुत ही आसान तरीके से जो आपका ट्रिक है, देखते ही आप किसी भी शब्द को यह पहचान सकते हैं कि यह तद्भव है या तत्सम है। तो वह जो ट्रिक है वह ध्यान से समझिए, जिसमें पांच अक्षरों को आपको नॉलेज होना चाहिए, जिसमें अड़ा, क्षत्रिय का छा, त्रा, बड़ा सा और वाह। यदि ये पांच अक्षर किसी भी शब्द में आ जाते हैं तो हम उसे तत्सम कहते हैं, जबकि तत्सम के स्थान पर यदि हम उसे तद्भव बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें आड़ा के स्थान पर ना, जबकि छत्री वाले छा के स्थान पर खा या छा प्रयोग करेंगे, त्रा के स्थान पर ता, बड़ा सा के स्थान पर छोटा सा और वा के स्थान पर बा का प्रयोग करेंगे। इसी अक्षरों को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको तत्सम और तद्भव में अंतर समझ में आ जाएगा और कहां पर कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है उसे हम देखते ही पहचान जाएंगे। तो अब हम आइए इसे हम बहुत ही आसान तरीके से कई उदाहरणों को देखते हैं और इसे पहचानने की कोशिश करते हैं। इसके उदाहरणों को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे, आप लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से ध्यान देंगे। जैसे है तत्सम और तद्भव, यहाँ है तत्सम का शब्द आपका त्रिगुण, त्रिगुण। अब हम लोग त्रिगुण यानी कि त्रि त्रा के स्थान पर ता का प्रयोग करेंगे और आड़ा के स्थान पर ना का प्रयोग करेंगे, यह हो जाएगा त्रिगुण। इसमें हम लोग ध्यान से देखें, आड़ा आया है और त्रा भी आया है, इसमें हम लोग आसानी से पहचान जा रहे हैं कि यह तत्सम है, जबकि इसमें ना तो वाणा आया है, ना छत्री का छा आया है, ना त्रा आया है, ना बड़ा सा और ना ही वा आया है। तो यह आपके तत्भव शब्द होंगे। अगला क्षेत्र, क्षेत्र में हम लोग ध्यान से देखें तो छा आया है, क्षत्रिय वाला छा, तो हम इसे देखते ही पहचान जाते हैं कि यह तत्सम है और हम छा के स्थान पर इसे हम यह तद्भव बनाते हैं, तो छा के स्थान पर हम लोग खा का प्रयोग करते हैं तो यह हो जाता है खेत। छीर यानी छा है तो इसे हम पहचान गए कि यह तत्सम है, छीर इसका हो जाएगा खीर। स्वेत है, बड़ा सा है आधा, तो इसे हम ध्यान से देखें तो बड़ा सा का प्रयोग तत्सम में होता है, तो यह हम आसानी से पहचान गए कि यह तत्सम शब्द है, जबकि स्वेत का हो जाता है सफ़ेद, इसमें ना तो आड़ा है, ना छत्री का छा, ना त्रा, ना बड़ा सा और ना ही वा। अगला है विद्युत, वा जिसमें आता है उसे हम तत्सम कहते हैं, जबकि वा के स्थान पर बा हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। अब हम आगे इसमें स्वर्ण, बनिया, घृणा, किरण, मित्र, दर्शन, बानर और हाथ, इसको ध्यान से पहचानेंगे और इसका अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, क्योंकि यह तत्सम और तद्भव का जो आपका टॉपिक है यह क्लास 10th 12th UPP UPTET CTET लेखपाल आदि परीक्षाओं में पूछता है, जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं, यानी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको हम बहुत आसान तरीके से इसी ट्रिक के माध्यम से पहचानेंगे कि जिसमें आड़ा, छत्री का छा, त्रा, बड़ा सा और वा आ जाए तो उसे हम तत्सम कहेंगे, जबकि इसके स्थान पर यदि हमें इसे तद्भव बनाना होता है तो आड़ा के स्थान पर ना, छत्री वाले छा के स्थान पर खा या छा,
त्रा के स्थान पर ता, बड़ा सा के स्थान पर छोटा सा और वा के स्थान पर बा का प्रयोग करते हैं। इसी तरह के वीडियो आप सभी लोग पाते हैं। जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन वो पा सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे भी अच्छे से अच्छा वीडियो और ट्रिक के ही माध्यम से मिलेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न इस पर बनाए जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।